चल क्या रहा है? इस देश का कल्चर और ट्रेडिशन तुम लोग ही खराब कर रहे हो। जब तक इस शरीर में जान है तब तक यहाँ का कल्चर किसी को खराब नहीं करने दूंगा। मैं सिखाऊंगा तुमको यहाँ का कल्चर। लेडीज, मेरी बात मानो, चुपचाप अपने अपने घर चले जाओ, नहीं तो एक एक को यहाँ से मार के भगाऊंगा। याद रखना, जय जय देशोधरा, जय देशोधरा। क्या देख रहे हो बे, सबको भगाओ। अच्छा, इसके एक नहीं दो दो यार है। सर, जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं कमेंट बहुत बुरे बुरे आ रहे हैं। अगर YouTube को पता चला तो हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। पागल, ऑनलाइन जाके ब्लॉक करूंगा, तू सिर्फ वीडियो अपलोड कर। अरे बाप, क्या चला है? एक मिनट बाहर क्या क्या है, फाइट चालू हो गई। अच्छा लड़ रहा है। हाँ सर, बट टाइमिंग मिस, यहाँ थोड़ा नीचे लाके दबा के मारती तो परफेक्ट लगता है। ए, तू कौन है बे? मुझसे बहुत दूर चली गई, जिसकी वजह था वो। कौन है सर वो? विलन, जो 25 साल से नीचे आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। आखिरकार उसी ने मुझे हिम्मत दी कि मैं तुलसी से जाके मिलूं। यो हीरो, तुम लोगों ने मेरी जान पर हाथ रखा, मैं चुप कैसे रहता? आपने भी तो कितना पीटा सर। सर सर सर, आपने बताया नहीं सर, वो विलेन और हीरो कौन है? ईश्वर। अगर हमें कोई तकलीफ होती है तो हम दूसरों से नफरत करते हैं और भगवान को पूछते हैं, पर अगर सच्चाई के साथ खड़े रहें तो कभी न कभी मंजिल मिल ही जाती है। भगवान ने महेंद्र के जीवन से उसका प्यार छीन लिया। गलती को ठीक करने के लिए महेंद्र इस जर्नी में निकला।
इतना टाइम हो गया, अभी तक मेरा ड्रेस आयरन क्यों नहीं हुआ? तुम भी ना, तुम्हारी वजह से लेट होगा। माँ जल्दी करो ना माँ। अरे अरे कितना चिल्लाओगे, आ रही है। भूख लगी है माँ, जल्दी आओ ना। हाँ कितना टाइम लगा रही हो माँ, लेट हो रहा है। आ तो रही हूँ, जल्दी करो, जल्दी से दो, चलो खाओ। सच में? हाँ जल्दी खा। तिन्ना तुम दोनों ने अपनी होमवर्क बुक रख ली? वाटर बॉटल रखी या नहीं? लक्ष्मी मेरी पैंट आयरन हुई? हाँ दे रही हूँ, बस एक मिनट में आयरन कर देती हूँ। छोड़ो भी, अब मैं लेट हो गया हूँ, लाओ तुम्हारा आयरन नहीं चाहिए। ऑटो आ गया, जल्दी जल्दी करो। चल चल टिफिन पूरा खा लेना, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है माँ। आओ 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 जल्दी आओ जल्दी। अरे जल्दी आओ। बाय बाय बाय। ये आगे नहीं पीछे बैठो। बाय बाय। लक्ष्मी मैं चलता हूँ। रुकिए रुकिए, लंच बॉक्स लेके आती हूँ। जल्दी लेकर आओ ना, रोज लेट कराती है। और कितना टाइम लगेगा? हाँ। ये लो। गेट खोलो। हाँ। ठीक है चलता हूँ। हाँ, बाय। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं घर का काम करने के बाद मैकेनिक का काम करती हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती हूँ। उनका सपना पूरा करना ही मेरी जिंदगी का असली गोल है। हम काम करते करते भले ही थक जाएं, लेकिन जिम्मेदारियों से कभी नहीं थक सकते। पिछले 10 सालों से इस सपने को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ और अब जाके वो पूरा होने वाला है। अब मूड बदल गया मेरा, और कितना इंतजार करूंगा। सुनिए ना, वो क्या है बोलो। पिताजी की बाइक में एडवांस फीचर्स को सक्सेसफुली अपग्रेड कर दिया है। मैंने मना किया था फिर भी मानी नहीं ना। कोई बात नहीं, पति से छुपा के काम कर रही हो? अरे पूरा हो जाने के बाद बताना चाह रहे। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम जो चाहती थी वो हो गया ना, तो बताने में इतना झिझक क्यों रही? लद्दाख में होने वाले रॉयल एनफील्ड एनुअल इवेंट में अगर फ्यूचर कंपनी वालों को इसका डेमो देंगे तो पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम चाहे कुछ भी करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम भले ही अपनी जान क्यों ना निकाल दो, ना तो कोई उससे खुश होने वाला है और ना ही कोई दुखी। और तुम्हें क्या लगता है ऑफिस में जाकर के मैं क्या कहूंगा, कि मुझे घूमने जाना है, वो भी लद्दाख? मैं जाना चाहती हूँ। तुम और ये बुलेट चला के? घर में पति है, बच्चे हैं, उनका ख्याल ही है तुम्हें? ऐसी बात नहीं है, पिताजी का सपना। चुप कर। अगर कल से ये बाइक दोबारा मुझे इस घर में दिखी ना, लद्दाख जाएगी ये लद्दाख। पिताजी आपको बेटी नहीं बेटा पैदा करना चाहिए था। उसे किसी की परमिशन नहीं मांगनी पड़ती, वो आपके हर सपने को पूरा कर देता। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन वो नहीं माने, नाराज हो गए। उनसे मुंह मोड़ लूं, बाहर के आदमी तो है नहीं, मेरे पति हैं। पिताजी हर किसी का अपना एक सपना होता है, उसे पाने के लिए, हासिल करने के लिए ऑनेस्टली प्रयास करना पड़ता है।
कोई कुछ भी कहे, कितना भी रोके, जब तक के वो ना मिले प्रयास करते रहना चाहिए। किसी चीज के बारे में सोचना गलत नहीं होता है, लेकिन उसके लिए प्रयास न करना। मैंने ऐसे राइटिंग के लिए नोट्स तैयार की है माँ, कोई गलती तो नहीं है ना? नाना जी के सपने को अगर पूरा नहीं किया तो ये आपकी नहीं, नाना जी की ही हार होगी। प्लीज माँ, पापा और भाई को मैं संभालूंगी, आप उनकी चिंता मत करो। देख, 300 मीटर की रेस है, राइट साइड में थोड़ा डेंजर है, सो बी केयरफुल। मेरा पैड तो लूज है, मैं टाइट करता हूँ। जस्ट वॉच इट मैन, ओके, रिलैक्स। Hello friends, welcome to my channel Ajay Adventures. Here I'm going to show you one of the crazy adventure, amazing stunt. I don't understand जीतने के लिए भी तकलीफ क्यों था, but Ajay के लिए इस adventure को जीतना इतना आसान है, like gear change कर दिया। So friends, Are you ready? 3, 2, 1, go! तेरा यही कॉन्फिडेंस तुझे ले डूबता है। फोकस और डेडिकेशन बढ़ा दे, तब कुछ हो पाएगा। अब तेरे पास सिर्फ दो ही चांस बचे हैं, चंबल और लद्दाख के। ये दोनों ही डेंजरस हैं। अगर ये दोनों रेस तू जीत पाएगा, तभी इंटरनेशनल लेवल के लिए एलिजिबल होगा। जीतना बड़ी बात नहीं है विकी, इट्स माय चैलेंज। अब मुझे तेरा कोच बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाय द वे, यहां पे बाइक मिल जाएगी। ऑलरेडी वेलकम सर। वेलकम, बताइए आपको किस टाइप का पार्टनर चाहिए? ए टू जेड ऑल टाइप्स ऑफ पार्टनर्स अवेलेबल हियर। ओह या कोच ने तो बाइक लेने के लिए भेजा, पर यहाँ तो मैरिज प्रपोजल मिला। हेलो हेलो सर, ज्यादा सोचने का नहीं, सिर्फ बाइक के बारे में सोचो। ओके बाय। हेलो बॉस। हाँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? कोड लैंग्वेज व्हाट? यहाँ पार्टनर मतलब बाइक। स्किन टोन, हाइट, वेट, स्ट्रक्चर एंड मेजरमेंट, हर तरह के पार्टनर्स का अपना अपना प्राइस है, आपकी सुविधा के लिए। ओके ओके, हेलो बॉस, आप ही का आशीर्वाद है। यो सर। यस माय डियर राइडर, दीज आर आवर हाई प्रोफाइल पार्टनर्स। इन्हें अंडरग्राउंड क्यों रखा है?
अगर इन्हें अंडरग्राउंड नहीं रखेंगे तो मेरा बॉस अंडरग्राउंड हो जाएगा। अच्छा। सिर्फ इसीलिए। हेलो मामा, पार्टनर सेट हो गया क्या? वो मेरे अलावा सबको मना कर रही है क्या? तो प्रॉब्लम क्या है? बुकिंग कंफर्म करो। हाँ बोलो बोलो। हाँ शे, अभी तक सोच रही है? मामा चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे लिए वही पार्टनर फिक्स करो बस। हाँ बोलिए सर, कौन सी पार्टनर पसंद है आपको? हेलो, अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है बे? मेरे लिए तू इनको पार्टनर बोल रहा है और अपने लिए बाहर ढूंढ रहा है? ओ, ये नहीं चलेगा। नो 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 सर, ये पार्टनर नहीं, वो मेरी लाइफ पार्टनर है। ब्रो, अभी तक? हाँ इंजन अभी तक बोगी का इंतजार कर रहा है। ये मेरी सैड स्टोरी है, वो सब छोड़ो। इनमें से आपको कौन सी पार्टनर चाहिए? आई लव दिस। वाह, सुपर्ब सिलेक्शन सर, बट दिस इज नॉट फॉर सेल। ये मेरे बॉस की चोरी चोरी। पैसे की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पार्टनर यही चाहिए। हागरी बोल, क्या हुआ? बॉस, एक बकरा फंसा है, उससे आपकी पार्टनर पसंद आ गई है। कितना रेट लगाऊं? 6। ओके। क्या बोला उसने? 8 बोल रहे। ओके डन। ओके डन है? हाँ? फिर कार्ड या कैश? कार्ड। इस कार्ड से पैसा थोड़ी निकलेगा। तू कॉल कर, कैश या कार्ड वो बता देंगे। ओके 1 मिनट। गाइस, fully upgraded with extra horsepower. I am so excited. This is our winning partner. Let's have a look. These are the complete details of the bike. So don't forget to comment, like and share and please subscribe our channel. Stop, stop. पहले ये नाटक बंद करो। क्या हो गया ब्रो? ये कार किसका है? डैड का है। क्या हो गया? वो तुमको नहीं जानते। What? Dad, I'm thinking about this and आपने कहा क्या? मुझे नहीं जानते। Can't you see I'm in a very important work? That bike is also important. Okay, Mr. Vijay. आप बात कर लीजिए, हम बाहर इंतजार करते हैं। तुझे एक ही बात कितनी बार समझा? तेरे हर टाइम पास के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है। ये मेरे लिए सिर्फ टाइम पास नहीं है, मेरा पैशन है। पैशन से तूने अभी तक क्या अचीव कर लिया? हा? एक भी रेस जीत लिया तूने अभी तक? Have you won one race? Life is not always about winning. समझाइए ना मॉम। Failure stop. Only losers talk that way. You know what? Life is about winning, winning and just winning. बार बार एक ही टॉपिक पे बात करने का मुझमें अब पेशेंस नहीं बचा है। तुम यूएस जाके पहले एमबीए कंप्लीट करो और अपनी कंपनी को संभालो। अदरवाइज गेट आउट। बेटा, अरे बेटा रुक जा, माँ की बात नहीं सुनेगा। अजय बोल ना। अबे चंटी, अर्जेंटली कुछ पैसे चाहिए यार। पैसे चाहिए? जितने चाहिए मिल जाएंगे। एक काम कर, अपने बाप के पैर पकड़ ले। मैंने घर छोड़ के तुझे कैसे पता? सिर्फ मुझे नहीं बेटा, पूरे शहर को हो गया है। तेरे बाप ने इंस्टा पे कर दिया है, अब तू किसी से भी मांग, पैसा नहीं मिलेगा। ये कभी नहीं सुनता। ये अच्छी है। डैड से पैसे बैक किया, फ्रेंड से बोरो किया, बैग बोरो और स्टील। अब तो वेट करने के लिए ना उम्र बची है ना पेशेंस बचे हैं। कुछ तो करो यार, पार्टनर को लॉक करो। तुमको जॉब दिलाने की गारंटी मेरी है, मेरा बॉस मेरी बात नहीं काटेगा। ओके ना, प्लीज लॉक करो। ओके। ए बुलबुल, मेरी लाइफ तो सेट हो गई, पर तेरा पार्टनर किधर है? आई एम हियर। यू केम अगेन? अबे तेरी डैडी मान गए क्या? वो मान नहीं गए और पार्टनर के लिए पैसे भी दे दिए। दे दे दे। की? ये ले। मैं पैसे गिन लूं? हाँ जा। 8 लाख में 2 मेरे, 6 उनके। खाचा रखने वाला आदमी होता है डोंकी, इसकी तो फिर की लेने वाला। कैसी है? उसकी फोटो भेजू क्या? देख ले।
निकाल मेरे सारे गिफ्ट्स निकाल, चेन ब्रेसलेट रिंग निकाल। गाड़ी, गाड़ी की चाबी कहाँ है? अरे मैंने दे इसको। बाय द वे इसका साइज इतना ही है। Time heals almost everything. Don't stop yourself for others. Just go for it. Fight with yourself. Fight for yourself. Follow your dreams. No matter what, just go for it. Hey you, what are you thinking? Stop thinking. Just go for it. You started your journey in quest of love. May love be with you all through. Just go for it. अगर वे क्रॉस करें और हम उसे ओवरटेक कर लें तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। आई थिंक वी शुड गिव हिम दैट चांस। यस मैडम ने ओवरटेक किया। ओवरटेक का बदला ओवरटेक से होगा। अब बारी है अपना हॉर्स पावर दिखाने का। Wow! Guys, we did it! Hey, पागल, दिमाग नहीं तुझमें। बेवकूफ, बाप के पैसे को इस तरह से उड़ाने निकला है और दूसरों को डरा रहा है। तू एक बार बस मिल मुझे। अरे यार, बहुत भूख लग गई। Wow, wow, guys! That was a wonderful chase. Hello. Hi.
नाइस गेस। सो फ्रेंड्स, मैं इसी तरह आपके लिए एक्साइटिंग वीडियोस अपलोड करते रहूंगा, बस आप मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं हूं आपका अजय एडवेंचर। क्या समझता अपने आपको? रोड क्या वीडियो गेम है? वन वे पे कैसे ड्राइव करते हैं तुझे पता नहीं? ओवरटेक करता है। नो नो नो, चल लाइसेंस दिखा, दिखा आरसी बुक, नंबर प्लेट कहाँ है? ये बाइक तेरी है? इतनी महंगी बाइक तुझे लेके दी किसने? आप बैठिए ना। यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है? कोई बताए। क्या करे यार, बैठो ना, बैठो। सॉरी दीदी, आई एम रियली सॉरी, आप लेडीज है, मुझे मालूम नहीं था, मुझसे ये गलती से हो गया। वैसे नॉर्मली मैं गाड़ी बहुत केयरफुली चलाता हूँ। तेरे सर पे घोंसला देके समझ में आता है कि कितना केयरफुली चलाता होगा। मेरी जान निकलते निकलते बची है, पता है? मैंने आपसे सॉरी बोल दिया ना, प्लीज दीदी, डांटने से अच्छा माफ करना होता है। प्लीज 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 प्लीज, दोबारा ऐसा मत करना। करते हो यहाँ आकर हमारी जान खाते हो, हो गया, चल जा। डॉक्टर पे हाथ उठा दिए, काट के फेंक दूंगी घोंचो। एक डॉक्टर के पास पेशेंट्स नहीं आएंगे चलेगा, पर पेशेंट्स तो होना चाहिए। बात करने की तमीज नहीं है, डॉक्टर किसने बना दिया? कहाँ से ली तूने डॉक्टर की डिग्री? डॉक्टर को पेशेंट से अच्छा सलूक करना चाहिए, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अब आपका काम हो गया, जाइए यहाँ से, जाइए। अरे महिंदर, आप छोड़ दो, किसी मैकेनिक के पास ले चलते हैं। अरे इतना छोटा सा काम है, मैकेनिक की कोई जरूरत नहीं। अच्छा कहाँ से आई हो तुम? जब धोखा ही देना तब झूठे क्या का नाटक क्यों किया बे? हाँ? तो देखने के लिए इतनी दूर चंडीगढ़ से यहाँ तक आई हूँ। शुक्र है उसकी शादी अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में क्या, अंतरिक्ष में शादी करता ना तो भी कान के नीचे लगाती। जब शादी करनी ही नहीं थी तो प्यार काहे को किया? वैसे तुमसे प्यार करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। तुम्हारी बाइक तैयार है, ठीक है? अरे ये क्या, मुझे अकेले छोड़कर जाओगे? तुम्हारे साथ सफर तय करना बहुत ही मुश्किल है। डोंट ड्रिंक टू मच। ऑलरेडी हम एक स्टेट पार कर चुके हैं। अरे इसमें तो अपन ही फंस जाएंगे ना। अरे कंट्री पार करना पड़े, पहले उसको पकड़ूंगा, बाइक वापस लूंगा, तब जाके मुझे मेरा जॉब मिलेगा। अबे तू तो सेल्समैन का जॉब करता है ना, ऐसे तो 1000 जॉब मिल जाएगा तुझे। अरे भाई पहले तो उतर, तो उतर। एक तो तेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, तुझे बोलेंगे आजा 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 मेरी लड़की ले जा, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। 10 साल के बाद तो मुझे जॉब मिली है, अब मैं जॉब नहीं खोना चाहता। अगर जॉब गई तो कंगला हो जाऊंगा, फिर कितनी भी नहीं बचेगी। अबे जॉब का शादी से क्या संबंध है भाई? अरे मेरे भाई, मेरे होने वाले ससुरे को जॉब की गारंटी चाहिए, समझा? मैंने ओनर को जो बोला उसने भी वही बोला, मैंने बड़ी बड़ी फेंक दी। मेरा बॉस बोल रहा है कि जब तू बाइक लाएगा तब तुझे जॉब की गारंटी दूंगा, अब बता मैं किधर जा सकता हूँ? अच्छा मेरे भाई, एक लड़की को शादी करने के लिए सिर्फ लड़की होना ही काफी है, लेकिन एक लड़के को शादी करने के लिए मर्दानगी के साथ जॉब की गारंटी भी चाहिए। ये देश है अपना। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। दोबारा बीच में टोकेगा? नहीं टोकूंगा भाई, तू चल। अच्छा फिर चल।
वेरी नाइस। दीदी मैं कब से देख रहा हूँ आप बहुत सैड नजर आ रही हैं। मैं यहाँ पे रहूंगी तो वो वहाँ पे खुश रहेंगे क्या? क्यों नहीं दीदी, आपकी बेटी ने तो आपसे कहा था कि आप यहाँ से हैप्पीली जाओ, मैं छोटे भाई का और डैडी का ध्यान रख लूंगी। अगर आप यहाँ खाना नहीं खा रही है, उसे ये बात वहाँ पता चल गई तो वो भी उदास हो जाएगी, है ना? तो जितनी जल्दी आप खाना खाएंगी उतनी जल्दी हम यहाँ से निकल जाएंगे। दीदी आप खाओगी तभी मैं भी खाऊंगी। I'm not eating. खाने का अपमान करना is bad. सच में टेस्ट यू खाओ ना। I know दीदी, you are very hungry. बस एक इडली टेस्ट करके देखो, बहुत अच्छी बनी है। क्या बात है, कातिलाना फिगर है ना। ए, पुलिस को हैंडल नहीं कर पाएगा बेटा, मैं जाता हूँ। ए तू चुप कर बे, पहले मैंने देखा। ए जा रहा है। हाय हाय निखिल। निखिल अखिल और एनी पिकल, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चल लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी, मैं खुद लेकर आ जाता। जिस घोंचू से इसकी शादी होगी ना उसकी वाटी लग जाएगी। हाय ब्रो। हाय सब्सक्राइबर। और तेरे को स्पेशली बोलूं, तू भी उसी गैंग से है ना? गेट अप। हेलो हेलो हेलो, क्या बात कर रही हो? I'm Ajay the YouTuber and I think you are not my subscriber. Extra smart banda hai. Oh my, just missed. Abhi tujhe batata hu. Hey, kya bola tu? Mat kisi kya bola? Abhi tujhe office se. Mega mega room kar kya kar raha hai? Chal chal ke tu kya hai? Chalo chalo. Ek toya. Ai chhod de maine. Relax Mega. क्या इसी तरह सबसे लड़ती रहोगी तुम? मैंने स्टार्ट किया, देखा नहीं वो मेरे पास आकर कैसे बैठ गया? He tried to flirt with me. Are you okay, bro? छोड़ मुझे। Subscribe to my channel. Okay. Okay, bro. बच्चों की तरह झगड़ा कर रहा है तू? आवाज बच गई दीदी, अगर आप टाइम पे नहीं आते ना तो मैं उसे पटक कर ऐसे। चुप बैठ जा। उसे तो मैं। चल हो गया, चलते हैं। 2 minutes दीदी, ये मैटर मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। Like that. क्या बे, रात को मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? ए, तू जो बाइक लेकर भागा है ना, वो लोग तुझे जी जान से ढूंढ रहे हैं। वो मेरे घर पर भी आ गए, तू कहीं भी जा लेकिन बस वो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे? अच्छा छोड़, ये बता मुझे क्यों कॉल किया? मैंने मेघना को देखा। तूने मेघना को देखा? संभल के रहना यार, मैंने उसको शादी में देखा था, उसने दूल्हे की दुलाई कर दी। मैं भी तो जस्ट बचा हूँ भाई। प्यार में ये सब चीजें बहुत कॉमन है। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो इस तरह कनेक्ट होगी सोचा नहीं था। इट्स अ कॉस्मिक कनेक्शन। कॉस्मिक कनेक्शन? भाई जरा बच के रहना। अच्छा बता, किशोर की शादी की टिप तूने दी थी, ये बात वो जानती है क्या? वो नहीं जानती, उसने बहुत बार कॉल किया लेकिन मैंने उठाया नहीं। बहुत ज्यादा शरीफ बन के उसके पीछे धूम धाने से अच्छा है मैं विलन बन के उसकी लाइफ में एंट्री मारूंगा। ये मेरा स्टाइल है। बच के रहना भाई। अब क्या हुआ? पता नहीं, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। महेंद्र टैंक खाली है तो कहां से होगी, पूरी सूखी हुई है। ऐसा क्या? वो कैसे, टैंक तो फुल किया था। मेरी बाइक में पेट्रोल तो है लेकिन निकालने के लिए बोतल नहीं है। मेघना कोई तो आ रहा है। इससे मैंने तो महेंद्र हम किसी और से हेल्प मांग लेंगे। तो मैं तो शर्त
Excuse me. How can you help me? How can I help you, sir? इसके बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। Actually खत्म नहीं हुआ, किसी ने चोरी कर दिया। What? चोरी हो गया? हाँ। पेट्रोल को लॉक करना चाहिए था ना? यहाँ पे बहुत सारे चोर घूम रहे हैं। जिसको चांस मिलेगा वो तो चलाएंगे। तुम्हारे लिए है कि क्या बात कर रहे हो ब्रो? मेरी बाइक बिना पेट्रोल के भी चलती है, पता है? मतलब बिल्कुल सही कहा, ये गधों का सबसे बड़ा सरदार ही है। I know that. Okay. Your bike is ready. ये क्या है? तुम्हें क्या पेट्रोल पंप पे काम करने वाला बंदा दिख रहा हूँ? देख रही हो दीदी, आजकल की लड़कियां हर चीज पैसों से खरीदना चाहती है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, इतने में किसी की हेल्प भी नहीं करता। लेकिन ये जंगली इलाका है, पैसों से यहाँ सब कुछ मिलेगा क्या? पैसे डाल दो गाड़ी में, पूछो से। वो कब की निकल गए, अब हम ही चले? हाँ चलते हैं। तुम बिना मुझे चली गई, पता मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, हेल्प करने का कोई मतलब ही नहीं निकला। दोनों की एक ही मॉडल की बाइक है, लेकिन इसमें ये इलेक्ट्रिक मोड कैसा है? हाँ सर, इस बाइक को मेरे पिताजी ने तैयार किया था। आज से लगभग 20 साल पहले इस बाइक में इलेक्ट्रिक एनालॉग सपोर्ट से नया फॉर्मूला डिजाइन किया था। उन्होंने मार्केट में इसे लॉन्च करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन सपना पूरा होता उससे पहले। Oh, I'm sorry. लद्दाख फेस्टिवल में रॉयल एनफील्ड के सीईओ आ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ अगर इस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली वहाँ सबमिट करूंगी तो शायद कुछ हो जाए। ये सर 100% एक्सेप्ट करेंगे, I'm sure। तुम अपने पिताजी का सपना पूरा करना चाहती, आज के जमाने में कोई ऐसा नहीं सोचता। Really, you're a great mother। दीदी पापा से प्यार करती हूँ इसलिए इस जर्नी पर आई, मैं अपने डैड से ना रहा हूँ इसलिए इस जर्नी पर आई, इसलिए हमारे बीच में इतनी बॉन्डिंग है। By the way, मैंने अपने बारे में आपको कुछ बताया नहीं ना? नहीं। I'm Ajay the Adventure Rider. Oh, YouTuber. Please subscribe. Sure. Okay bro, ये बाइक भी तुम्हारी तरह बिल्कुल अलग लग रही है, तुम्हारी है ना? हाँ मेरी है, मेरी है। चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। तुम भी सब्सक्राइब करो, ओके? व्हाट्सएप पे लिंक सेंड करूँ क्या? नंबर? मेरे फोन में यूट्यूब ऐप नहीं है। ओह अच्छा भाई, अपने बारे में तो बता। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसके लिए इस जर्नी पर आया, जिसे मैंने 25 साल पहले खो दिया उसी के लिए इस बार लद्दाख के लिए। What? इस उम्र में प्यार? गर्लफ्रेंड के लिए इतनी दूर जा रहे? हाँ क्यों नहीं? हेलो, प्यार करने वालों की उम्र बढ़ती है, प्यार की नहीं। अच्छा, वैसे आपसे मिलते ही आंटी पहचान लेगी या पूछेगी आप कौन हो भाई साहब? हाँ यही डाउट मुझे भी है, इसीलिए इस बाइक को साथ में लाया। मुझे भले ना पहचाने लेकिन इस बाइक को जरूर पहचान लेगी। मोहब्बत होती है मुकद्दस। इंटरेस्टिंग। ओके, हम लोग मिले भी इत्तेफाक से और जा भी एक ही जगह रहे, तो हम लोग ग्रुप में ट्रैवल करेंगे। ओके अरे बाप रे, अब तो लगता है मुझे बर्फ से सीखना पड़ेगा, तभी जाके आराम मिलेगा। अबे कम से कम अपने सीट पे स्पंज तो लगा देता घोचू। अबे आलसी गवर्नमेंट जॉब वाले, मेडिकल लीव लेगा तो भी सैलरी मिलेगी, सिक लीव लिया तो भी सैलरी। अबे 24 घंटे काम लपेटने के बाद भी प्राइवेट जॉब में सैलरी की कोई गारंटी नहीं है, समझा? मैं क्या बात कर रहा हूँ, तू क्या बात कर रहा है? तू हाथ धो के मेरे जॉब के पीछे क्यों पड़ा है? तू भी गवर्नमेंट जॉब कर लेना। खाट के बिना तो अपन लोग सो सकते हैं, लेकिन रिश्वत के बिना गवर्नमेंट जॉब तो भूल जा। मेरे बाप ने ना मुझे खाट दी ना रिश्वत दी, मुझे कैसे मिलेगी गवर्नमेंट जॉब? किसका फोन है? हेलो, ए कहाँ पे तू गिरी? अभी नागपुर पहुँच गए सर, चाय पीने के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। चेस स्टिल कंटिन्यू सर। और कितने दिन लगेंगे? वो कहाँ जाएगा सर, उसको पकड़ने के बाद ही आपको मुंह दिखाने आऊंगा सर। सर अगर मेरे मामा फोन करते हैं तो मेरी जॉब की। हेलो, इस पागल को वैसे सब कुछ सुनाई देता है, सिर्फ काम के बाद सुनाई नहीं देती। क्या बोलिया टूटी।
को एडवेंचर कहते हैं दीदी। फिल्म में तो मजा है, इतना रिस्क लेने की जरूरत क्या है? जरूरत नहीं है, पसंद है। ऑफ रोड में फुल स्पीड में गाड़ी भगा कर लेफ्ट राइट करने में जो मजा है ना, वो दुनिया में किसी और चीज में नहीं है। It can't be a thing. You just have to दीदी का हो रही वहां, वो दीदी को लेकर चली गई। यो डूड, देख रहा हूँ उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है तू? नहीं ब्रो, मुझे लगता है ये लड़की सिर्फ मेरे लिए पैदा हुई है। उसके बारे में एक राज की बात बताऊँ? हाँ बोलो बोलो प्लीज। ये बात कम करती है और मारती ज्यादा है। तुझे भी वो पहले मारेंगे उसके बाद बात करेंगे ब्रो। वो तो मेरे को भी पता है। देखो भैया, देखता हूँ पहले कुछ खा तो लूं। एक बात बताऊं, मेरा 8 साल का बेटा भी अब तक खाना नहीं सीख पाया। मेरी उम्र तक आ जाते वो भी सीख जाए। जिंदगी में हर बार हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है मेघना, दैट इज नेचर। ये डिसीजन पे भी डिपेंड करता है कि हम सही ले रहे हैं कि गलत। हर कोई 100 साल जिए ये जरूरी नहीं, अगले पल कुछ भी हो सकता है। तो हर पल जिंदा दिली से जीना चाहिए, हमें अपने बीते हुए पल को याद कर दुखी नहीं होना चाहिए। वैसे तुम्हारी जनरेशन तो लोग बहुत तेज होते शादी के पहले जो प्यार होता है वो शादी के बाद क्यों नहीं ठहरता? कोई मतलब नहीं। इस बात पर यकीन करोगे, आज इंसान इंसानों से ज्यादा जानवरों से प्यार करने लगा है। चेक इट आउट गूगल। अगर प्यार में कोई धोखा खाता है ना, तो उसे भूल के किसी और को ढूंढने लगता है। मैं तुमसे कह रही हूँ, फ्यूचर में हर एक घर में एक डॉगी होगा, क्योंकि अब तो प्यार देखने को ही नहीं मिलता। और बचा है तो क्या, केवल और केवल सेक्स रिलेशन, वो भी शॉर्ट रिलेशन और समथिंग। आप जैसे लोग भी तो हैं ना इस जनरेशन में महेंद्र, कम से कम 100 में 1। पहले आप जितने खुश रहते थे क्या अब हैं? बताइए ना। अरे हेल्प करनी है तो कर वरना मत कर। हेल्प मांगा तो मारने का हक नहीं मिल गया? अरे नहीं भाई, डेली ऐसे नाटक करता है। किसको पता कौन झूठ बोल रहा है? निकल। क्या हुआ बेटा, भूख लगी? कुछ खाएगा? नहीं अंकल। तो तुमने उससे क्या मांगा, मारा क्यों उसने? पढ़ो। क्रिकेट मेरी जान है, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे दिन रात एक करना पड़े, लेकिन इंडियन टीम में शामिल होना ही मेरा गोल है। मेरे पिताजी के मरने के बाद पैसों की वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मुझे पता है कि भीख मांगना गलत है, लेकिन मैं अपने क्रिकेट के सपने को छोड़ नहीं सकता। मैं एक दिन इंडियन टीम में खेलना चाहता हूँ। आप देखना, मैं एक दिन इंडिया को जिताऊंगा और देश का नाम ऊंचा करूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती है, बैड लक है, भगवान यही चाहते हैं। बहुत लोग ऐसा सोचकर घर बैठ जाते हैं, पर इतनी छोटी सी उम्र में तुमने दूसरे रास्ते को ढूंढा। बेटा फ्यूचर में जब तुम इंडियन टीम के लिए खेलोगे तो टीवी पर नहीं, तुम्हारे लिए स्टेडियम में आकर देखूंगा। थैंक यू अंकल। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? आप सिर्फ इसकी हेल्प नहीं करेंगे, आपके सामने खड़ा है फ्यूचर इंडियन टीम का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर। तो आइए हम सबको मिलकर इस जूनियर स्टार को सपोर्ट करना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। ये रहा बेटा, गुड लक। तुमने उसे मदद की इसके लिए मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह तुमने उसे हौसला दिया वो काबिले तारीफ है। मेरी लाइफ में और उसकी लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं है ब्रो, वो भी भाग रहा है और मैं भी भाग रहा हूँ। मैं जीतूंगा या नहीं उसका भरोसा नहीं है, लेकिन वो जीतेगा इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। चलो लेट्स गो।
मैं क्या बोल रहा हूँ, बाइक में पेट्रोल डाल के चलना चाहिए ना। अबे तुझे क्या पता, तू तो गवर्नमेंट जॉब वाला है, तुझे तो पेट्रोल गवर्नमेंट डालती है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं है ना, प्राइवेट जॉब है बे, सोचना पड़ता है। तेरे शादी के चक्कर में ना मेरी वाट लग गई है, अब मैं नहीं चलूंगा। तुझे क्या रे, तुझे मेरी जॉब और मैरिज चीप लग रही है, चल जा। ए, पुलिस वाले के सामने एक्टिंग कर रहा है क्या बे? अगर मेरी शादी नहीं हुई ना, मैं वैसे ही मर जाऊंगा, जा। अबे तू कितना परेशान आत्मा है बे? अबे ब्रह्मचारी रहने से अच्छा मैं कहीं जाके मर जाऊं। तू जा रहे ना, जा। अरे 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 क्या यार, ए तुझे और तेरे भाई को छोड़ के मैं कहां जाऊंगा यार, चल। सच में ना? हाँ भाई चल। देखना मैं अपने बेटे का नाम तेरे नाम से रखूंगा। ओके चल, धक्का मार। हमारी ऑलरेडी बुकिंग है, प्लीज चेक कर। थैंक यू सर। हम दोनों आप लोग रेडी होके जल्दी नीचे आ जाइए, मंदिर जाते हैं। इतनी दूर से राइड करके आए, अब दोबारा जाएंगे? मैं नहीं आऊंगा। तुमको रेस्ट करना है तो करो, वी विल गो। अभी तक रेडी नहीं हुए, कितना टाइम पास करते हैं। मैं ये दर्द झेल लूंगा अगर तुम मेरा प्यार स्वीकार कर लो तो। और मन्नत क्या मांगी? मैंने भगवान से ये मन्नत मांगी है कि जैसे शिव पार्वती की जोड़ी है, वैसे अगली बार जब दर्शन करने आऊं तो तुम्हारे साथ आऊं। महेंद्र तुम सच में पागल हो गए हो। गांव की गली थोड़ी है, एक शहर से दूसरे शहर में घूम रहे हैं हम। क्या चल रहा है अजय? क्या है, कल तक तो दीदी दीदी कह रहा था, आज से भाभी भाभी शुरू कर दिया। मतलब मेघना आपको सिस्टर बोल रही है? आपको सिस्टर बोलूंगा तो वहाँ हो जाएगा। रिश्ते की बात हम बाद में करेंगे, पहले ये बता मेघना को तू पहले से जानता है? मैं जानता हूँ, उससे मेरी पहली मुलाकात थी 3 महीने पहले, एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में। पहली नजर में मैं उसे अपना दिल दे बैठा, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी। हैप्पी बर्थडे किशोर। अभी मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। ऑल द बेस्ट देवर जी। थैंक यू। जाके देखता हूँ, पता नहीं कहाँ। तुम हैदराबाद से हो ना? पक्का हैदराबाद में सेटल हूँ।
हैदराबाद में कहा? पक्का बंजारा हिल्स। हैदराबाद में मर्डर करने के लिए कितने पैसे लेते हैं? मर्डर और मैं नहीं जानता। पक्का हैदराबाद का है ना? मैं इतना भी हैदराबाद से नहीं हूँ। वैसे किसको मारना चाहती हो? और किसे? उस इडियट किशोर को, उसके साथ उसके पूरे गैंग को मार दूंगी। किशोर की गैंग ने क्या कर दिया? उन गैंग वालों ने भी मुझे चीट किया है। वो चूहा शादी कर रहा है, किसी ने भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी तो थी। मतलब उसकी शादी के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? एक ने बताया, उसको लगता है बहुत बड़ा हेल्प कर दिया। मिल जाए तो उसे ही मुक्का मुक्का मारूंगा। हेलो। हेल्प तो किया था ना? हेल्प थोड़ा सा करके क्या फायदा? बोला था मेरे साथ रहेगा। मैंने उसको उस टाइम कितना फोन किया था, आंसर तक नहीं दिया। He didn't come to the airport also. मैं शादी रुकवाने अकेले पहुंच गई। उस समय मैं खुद ही बाइक चला रहा था, तुम्हारे साथ कैसे आ सकता था? मैं तो कुछ और सोच रहा था, आपकी बहन बहुत डेंजर है। शेयर कितना हुआ है, हमें भी भरना होगा। मैं तो पूरा खा रही हूँ। वहाँ देखिए भाभी, रिच महिंदर सब संभाल लेंगे। हाय, आर यू माय सब्सक्राइबर? आई एम कमिंग। गिव मी द बिल। ओके, हमारा शेयर कितना हुआ तुम पूछो ना मेघना, प्लीज। महिंदर, हम भी शेयर करेंगे। मैंने कर दिया रहने दो। प्लीज महिंदर, मैंने कहा ना पेमेंट कर दिया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइम आप भर देना, चलिए लेट हो रहा है। सुन बे जटाधर, यूट्यूब पे तुझे लोग फॉलो करते हैं या नहीं करते ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने तुझे उससे ही फॉलो किया। इसने पैसा दिया नहीं और तू इसके साथ चली गई। तेरी तो क्या कर रहा है तू? क्या मुंह देख रहा है? पकड़ उसे। अरे वहाँ क्या खड़ा है, चल। मैं बताता हूँ ना, ये बाइक चुरा के भागा है सर। मेरे डैड पैसे देंगे, झूठ बोल के मेरे सामने ही बाइक उड़ा ले गया। अब मेरा ओनर मुझे क्या क्या ताने मार रहा है पता है सर? लाखों की बाइक एक लुखे के हाथ में तुमने कैसे दे दी? अच्छा सुनो, चलो इसे छोड़ दो। हाँ छोड़ दूँ? बहुत मुश्किल है सर, इतनी मुश्किल से इसको पकड़ा है छोड़ने के लिए। मैं पैसा दे दूंगा इसे छोड़ने के लिए। शोरूम में इसने कांच तोड़ा, प्लस बाइक लेके भागा, प्लस ट्रैवलिंग चार्जेस, पूरा मिला के 9 लाख रुपए, और यहाँ वहाँ का खर्चा मिला के 10 लाख रुपए दे दो मान जाऊंगा। मॉडिफाइड बाइक बेचना इलीगल है। मेरे बॉस का नंबर दो, पुलिस कंप्लेंट करूंगा। बिजनेस सिखा रहे हो क्या? सोच रहे हो मैं डर जाऊंगा? हाँ ये लो 9840। नंबर भी दो, तुम्हारी भी कंप्लेंट करूं। सर ओरिजिनल पेमेंट ही दे दो, मेहरबानी होगी। महाप्रसाद, चल
बताऊं सर। वो जो बोल रहा है सच है क्या? तू बाइक चुरा के यहाँ आया? तुमसे कुछ पूछ रही, जवाब दो। हमेशा तो तू कुछ ना कुछ भगते रहता है, अब क्या हुआ बताओ अजय। बताता हूँ, वो बाइक मैंने ही चुराई थी। मेरे डैड चाहे तो पूरा शोरूम खरीद सकते हैं, पर मुझे बाइक दिलाने के लिए कैश नहीं है उनके पास। क्यों जानती हो? क्योंकि मेरे डैड जो मुझे काम करने के लिए कह रहे हैं, मैं वो नहीं करना चाहता। क्यों? मेरे कोई सपने नहीं है क्या? मेरी कोई अपनी जिंदगी नहीं है? मैं जैसे जीना चाहता हूँ नहीं जी सकता। कब तक बच्चा रहूंगा? पेरेंट्स के सपने बच्चे ही क्यों पूरे करें? तू डॉक्टर नहीं बन पाए तो तुम डॉक्टर बनो, खुद MBA नहीं कर पाए तो तुम MBA करो, मैं क्यों MBA करूं? लाइफ में रिस्क लेना और एडवेंचर करना ही मेरा गोल है। ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे ऐसे ही जीऊंगा। इट्स माय डैम क्रेजी लाइफ, क्रेजी लाइफ। मैं जानता हूं चोरी करना गलत है, बट डैड से नाराज होकर मैंने बाइक चुराई। मैंने सोचा डैड के आगे सर झुकाकर जीने से अच्छा उनसे दूर जाकर सर उठाकर जिंदगी जीऊंगा। All the best to you. सिर्फ तुम्हारा तरीका गलत है अजय, लेकिन तुम्हारा मकसद बिल्कुल सही। तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे और तब तुम्हारे डैड कहेंगे, I'm father of Ajay and my son is best of all. ए, अब रो क्यों रहा है? ए, देख, तेरा वीडियो बनाता हूँ और YouTube पे अपलोड करता हूँ। अरे नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। कम ऑन, यू आर रनिंग लेट। हाय, आई एम मेघना। वन सेकंड। सर, वो लड़का हमें मारकर भाग गया सर। मेरा खून बह रहा है, अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ सर। उसे छोड़ना नहीं है सर, पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट करेंगे, उसे सजा मिलनी चाहिए सर। नहीं सर, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मेरा ईगो हट हुआ है, मैं तो पुलिस कंप्लेंट करूंगा ही सर। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, अब फोन रखता हूँ। देखा ना कैसी एक्टिंग की मैंने, अब ये सारा पैसा हमारा है। अरे पैसा कहाँ गया? यहीं पर तो रखा था, कहाँ गया? पैसा किसने लिया? मेरा पैसा वापस दे। अरे यार अरविंद, पैसा तो मैंने यहीं रखा था। अब चोर यहाँ रुके क्या करेगा? ए, अपन लूट गए। अरे यार लूट गए। हाय माँ। पागल लड़की, तुझे बाइक छोड़कर फ्लाइट पकड़ने को कहा था ना? माँ, अब मैं आ गई ना। माँ, मेरे फ्रेंड से मिलो, हैदराबाद से मेरे साथ ही आए हैं। नमस्ते। हाँ, अंदर आ जाओ। लो बेटा, ये क्या है? पकड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ, एंगेजमेंट का टाइम हो गया। एंगेजमेंट? वो किसकी माँ? तुम सब कुछ भूल गए क्या? माँ, मैंने गलती कर दी तो तुम्हारी बात नहीं मानी। अब तुम जब जिससे कहोगी मैं शादी करूँ। तुमसे शादी करने के लिए मेरी सहेली का बेटा तैयार हो गया। हाँ कर दीजिए, मैं आ रही हूँ। बताना जरूरी नहीं समझा, इतने दिन से साथ में थी लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया, छुपा के रखा। अब इसके बारे में क्या सोचना, सब कुछ तो सामने ही है। चल अजय, चलते हैं। एंगेजमेंट के बाद जाएंगे। So friends,
जो लड़की हमारे साथ ट्रैवल करी थी उसकी आज एंगेजमेंट है। लेट अस विश हर ऑल द बेस्ट। ओके टाटा। ये बॉक्स तुम्हारा है क्या? मेरे फ्रेंड का है। तुम्हें पता है ये दवा किस चीज में दी जाती है? हाँ आदिया, बोलो बेटा। आदिया नहीं, उसका बाबा बोल रहा हूँ। एक गुड न्यूज है, के बाद मुझसे और मेरे बच्चों से तुम्हारा कोई नाता नहीं रहेगा और मेरी तरफ से तुम पूरी तरह से आजाद हो। तुम जैसे चाहो वैसे जियो। अब हम कोर्ट में मिलेंगे। पिताजी के लिए पति के खिलाफ कदम उठाया। पिताजी जो इस वक्त दुनिया में भी नहीं है। बच्चों के लिए रुक जाऊं या फिर पिताजी के लिए आगे बढ़ूं? मैं पिताजी के सपने को टूटने नहीं दूंगी। मेरा दिल कह रहा है कि बस आगे बढ़ती जाऊं, जो होगा देखा जाएगा। ले जा सकते हैं? ये कहां से आ रहे? चेन्नई से सर। और जा कहां रहे? लद्दाख को। व्हाट? जिसे बेड पे रेस्ट करना चाहिए वो बाइक चला रहा है। लद्दाख कैंसिल करो, इन्हें आईसीयू में एडमिट करो। ये लंग कैंसर के फाइनल स्टेज पर है। सिर्फ 4 दिन है इनके पास।
स्मोकिंग जोन बना देते तो अच्छा होता। शट अप, बिना सिगरेट पिए 5 मिनट नहीं रह सकते। ये रिपोर्ट देखो, तुम्हारे लंग्स डैमेज हो चुके हैं। इसीलिए तो पिछले 25 साल से पी रहा हूँ। मेरी बात मानोगे तो कुछ दिन और जिंदा रह पाओगे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर इम्पॉसिबल मैन। मौत से किसकी रिश्तेदारी है यार, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। लेकिन मैं तुझसे कुछ साल पहले चला जाऊंगा। यही डर तो हमें खा रहा है। तू कहीं जल्दी ना चला जाए। अभी तूने जिंदगी में पाया ही क्या, कोई एक चीज बता। पिछले 25 साल से देख रहा हूँ, सबसे अलग हो गया है तू। तेरी बर्बादी का कारण वो है, उसी की वजह से तेरी खुशियाँ छिन गई। जब से वो आई है तेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसकी जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हुई है, इसलिए 25 साल से उससे दूर हूँ, अपना मुंह छुपाए बैठा हूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन वो मुझे माफ कर देगी। आज तक अगर उसने मुझे माफ नहीं किया तो सिर्फ मेरी गलती की वजह से। मैं चाहता हूँ एक बार उसके पास जाकर मैं अपनी गलती को मान लूं और उसके पास जाकर अपने प्यार का इजहार कर लूं। मेरे लिए इससे खुशी की बात और कोई कि मेरे आखिरी पल में तुलसी मुझे माफ कर दे। तुलसी की याद में मैंने ये जर्नी शुरू की है। मुझे हमेशा इस बात का खौफ रहा है कि तुलसी से मिलने से पहले कहीं मेरी सांस रुक ना जाए। हर पल मुझे यही टेंशन होती है कि वो मुझे माफ करेगी या नहीं। मैं आप लोगों की दोस्ती कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि इतने सालों बाद आप ही लोगों की वजह से मैं खुश हो पाया हूं। बिना अपनी परेशानी बताए मैंने आप लोगों को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी परेशानी को छुपा नहीं पाया। मेघना, चलो मां बुला रही है। इस बार माफ कर दीजिए। पागल है क्या तू? एंगेजमेंट छोड़ के कहाँ चली गई थी? तुम्हारा दिमाग खराब है? 2 दिन से मिले आदमी के लिए तू परिवार को छोड़कर चली जाएगी? तुझे पता नहीं किस समय किसको इम्पोर्टेंस देनी है? जा जल्दी से तैयार होकर आजा, शगुन का टाइम बीत रहा है। पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, 24 घंटे हमारी देखरेख में रहेंगे। पर वो तो ठीक है, भले ही लग रहे हैं, खोखली हो चुकी है। ओके, शैल वी स्टार्ट? सर एक मिनट रुकिए, ऐसे आप छोड़कर नहीं जा सकते। ये किसने कहा? हमारे एमडी ने कहा। आस्क योर एमडी टू गो टू हेल, आई एम गोइंग टू नत्ता। कम ऑन गाइस, आप उनको समझाइए ना, दिस इज वेरी सीरियस। ये लोग कभी नहीं समझेंगे बेटा कि तुम्हारा प्यार सबके लिए एक समान है। अच्छा, एक लड़का तुम्हारे साथ आया था, उसका नाम क्या है? अजय। उसे देखते ही समझ गया था कि वो तुमसे प्यार करता है। तुम जानती हो कि नहीं, बचपन से तुम जैसे जीते आई हो वैसे ही आज भी जियो ना। अपने माँ से किए वादे और घर का मान सम्मान छोड़ो इन बातों को बेटा, अपने दिल की बात सुनो। क्या हुआ? अब इधर गाड़ी लगा। फिर से जा रही है? ए, कहाँ जा रही है? मेघना। ये सब क्यों कर रहे हैं सर? डॉक्टर की बात मानकर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं ना? मैं अस्पताल की 4 दीवारी में मरना नहीं चाहता लक्ष्मी। आई नो, मेरे पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं। मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी इस खूबसूरत सफर में खत्म। मुझे तुलसी से मिलना ही होगा। तुम अपने मकसद को पाने के लिए इस सफर पर आई हो। मैं इसके बीच में रोड़ा नहीं बनना चाहता। मैं अपने आप को संभाल लूंगा, तुम लोग आगे बढ़ जाओ। क्या मतलब?
आपको अकेला छोड़ के चले जाए? आपको पता भी है कि आप क्या बात कर रहे हैं? अपनी हालत देखिए कितनी खराब हो रही है। मेरी बात मानो, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम लोगों को तकलीफ हो। मैं समझ रहा हूँ, अच्छे से समझ रहा हूँ। हम जैसे पहले रहते थे 4 दिन और रह लेंगे, और ऐसे रहेंगे जैसे किसी को कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, आंसू पोंछ लो भाभी, भाई हमारे साथ ही आएंगे। भाई हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आप फाइनली तुलसी से मिलने वाले, और हमें यकीन है कि आप उसे पा भी लेंगे। लेकिन प्लीज अपनी डेथ डेट डिसाइड मत कीजिए। ठीक है, अच्छा भाई पहले ये टैबलेट खा लो, वरना अभी निपट जाओगे। अरे मजाक कर रहा था। अरे देने के लिए वापस आई? ओह, मुझे देखकर ऐसा लग रहा है क्या? तुम्हारी तो शादी होने वाली थी, उसका क्या हुआ? शिट, अब तक आपने मुझे इतना ही समझाया, आपने भी मुझे नहीं बताया आपको क्या हो गया। एक कॉल तो कर सकती थी, मुझे छोड़कर चली आई। I'm sorry, Meghna, really sorry। मेरा कोई अपना सपना नहीं है, बस आपको ही सक्सेस पाते देखना मेरा सपना बन गया। लेकिन आप लोग तो सॉरी मेघना, मैंने ये सब तो सोचा ही। वैसे तुम्हारी मैरिज कब है? मैरिज कैंसिल। ए भाई प्लीज, हमें लेट हो रहा है, बातों में टाइम मत वेस्ट करो। नेक्स्ट वीक में है। बात करनी है। चलो भाई चले क्या? हेलो, कैन यू हियर मी? तुम जो भी बोलोगी मुझे नहीं सुनना है। तुम्हारा जो दिल करता है तुम करती हो। तुम मेरे पास आई, फिर दूर भी चली गई। अब और क्या करना चाहती हो? मुझे तुम्हें देखना भी नहीं और बात भी नहीं करना। अबे ओ चुप हो जा, बकवास कब बंद करेगा? मुझे सब पता चल गया है, किशोर की शादी के बारे में बताने वाला तू ही है। ये किशोर कौन? मैं तेरे पास आई, मैं तेरा पीछा कर रही थी, अपने फ्रेंड के लवर से प्यार करता हूँ यही बोला था ना अपने चैनल पर? तू हरदम गलती करता है, ये सब लोग जानते हैं। तू भी अच्छे से जानता है कि ये कोई प्यार व्यार नहीं, सब होंगे। तुम्हें जो समझना है तुम समझो, बट ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम एक साथ रहें। उन्हें नहीं पता कि हम कभी एक नहीं हो सकते और हम ऐसे ही रहेंगे। ओके ठीक है, लेकिन इस जर्नी में एक चीज ध्यान रखना, ना तो मुझे देखेगा और ना ही बात करेगा। अगर तूने मुझे देखा या बात किया तो मैं तेरे बारे में सबको बता दूंगी। अगर मैं कहती कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ तो ना ही तू मुझे देखता और ना बात करता। अब मैं तुझे देखती रहूंगी और मेरा मन तुझसे बात करेगा। मेरी प्यार की कहानी में सिर्फ तू मुझे आईना दिखाएगा। Come, come. I was waiting for you. Project details. Terrific. Outstanding. ये टेक्नोलॉजी रॉयल एनफील्ड की हिस्ट्री को दोबारा लिखेगी। In fact, सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया इसके बारे में बात करेगी। नेक्स्ट संडे लद्दाख में हमारे सीईओ इस एनुअल फेस्टिवल के लिए आ रहे हैं। लेट्स राइड टुगेदर। आई विल फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद यू। थैंक यू। प्लीज टेक योर अनिका। थैंक यू। वेलकम। हे फॉलोअर्स, हम कल मनाने की राइड पर जाने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको ऐसे ही खूबसूरत नजारे दिखाते रहूंगा। देखिए यहाँ का वेदर कितना खूबसूरत है, यहाँ के नजारे आपको सब पसंद आएंगे।
अरे यार, हम यू फॉलोअर तुम्हारे चैनल की फर्स्ट सब्सक्राइबर सुनैना मुखर्जी. सुनैना, हाउ आर यू? मेघना राइट, आई सी योर एंगेजमेंट वीडियो. सच अ क्यूट कपल है ना? और मैं अपनी किसी से मिलाती हूँ. खाना बंद करो जो बोलता सुन. डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब देता तुम्हें सॉस है क्या? थोड़ा देना. डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब. और क्या? अबे इस टीम का लीडर कौन है? मैं हूँ ना. तेरे घूमने के लिए पेट्रोल, खाने के लिए बर्गर कौन देता है? मैं देता हूँ ना. तो फिर इस टीम को डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब कौन बताएगा? मैं ना. तो देर किस बात की? शुरू कीजिए. तू तो बहुत घाई में. दाढ़ी अच्छी लग रही है, ज्यादा नहीं बोलने का. डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब वेट वाटर वेदर. तुम ही बता दो. लाइट वेट लेकर चलना चाहिए, डिहाइड्रेट ना हो उसके लिए वाटर पीना चाहिए, और किसी भी वेदर के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए. कितनी बार आप एक ही चीज सिखाएंगे? अब तुमको मैं क्या बताऊँ. ऑलमोस्ट 7620 मिनट्स में दबा था मेरा राइट पैर, दो चट्टानों के बीच में फंसा हुआ था. मैं हिल ही नहीं पा रहा था. कितना भी बड़ा रिस्क क्यों ना हो, बहुत रिलैक्स से फेस करता है के जी राव. तू देखने में तो बड़ा लवली लग रहा है. हाँ. ऐसे स्माइल क्यों दे रहा है? 7620 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, दैट मींस 127 आवर्स. ये मूवी मैंने भी देखी है बॉस. सर, फिल्मी स्टोरी बताना बंद कीजिए, इन्हें अपना एक्सपीरियंस बताइए. सही बात. जैकेट अच्छा है सर. 30 साल से जैकेट पहन रहा हूँ. ला ला. सही बोल रहा है ना वो? एक कान के नीचे लगा हुआ. इस टीम का लीडर कौन है? आप हैं. तेरी बाइक में पेट्रोल और एक बर्गर कौन दिया? आपने. तो जो मैं बता रहा हूँ रियल स्टोरी है फिल्म की स्टोरी? किसने बोला फिल्म की स्टोरी है? रियल स्टोरी है. उस दिन मैंने ही तो शूट किया था. अच्छा. हाँ? चल क्या रहा है? इस देश का कल्चर और ट्रेडिशन तुम लोग ही खराब कर रहे हो. जब तक इस शरीर में जान है तब तक यहाँ का कल्चर किसी को खराब नहीं करने दूंगा. मैं सिखाऊंगा तुमको यहाँ का कल्चर. लेडीज, मेरी बात मानो, चुपचाप अपने अपने घर चले जाओ, नहीं तो एक एक को यहाँ से मार के भगाऊंगा. याद रखना, जय जय देशोधरा. जय देशोधरा. क्या देख रहे हो बे? सबको भगाओ. इसको भी भगा. चल हटा इसको. दिमाग खराब है तेरा. बाइक के ऊपर क्यों थूका? सबसे साफ कर दे. ए आंटी, भैया तुमके तो इतना गर्मी, पेशाब करेंगे तो क्या करेंगे? इतना दे तो करके दिखा, पैंट उतार करके दिखा. ए चुप. ए चल. कह रहे तो अपने आदमी के साथ आई है या यार के साथ? हाँ. अच्छा, इसके एक नहीं दो दो यार है. हाँ. सर, जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं कमेंट बहुत बुरे बुरे आ रहे हैं. अगर YouTube को पता चला तो हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा. पागल, ऑनलाइन जाके ब्लॉक करूंगा. तू सिर्फ वीडियो अपलोड कर. अरे बाप, क्या चल रहा है? एक मिनट बाहर क्या क्या है? फाइट चालू हो गई.
अच्छा लड़ रहा है। हाँ सर। ऊपर पंच। बट टाइमिंग मिस। यहाँ थोड़ा नीचे लाके दबा के मारती तो परफेक्ट लगता है। तू कौन है बे? फेसबुक अबे तो चुप। तू सुनहरा ग्रुप से है ना? हाँ उसी ग्रुप से हूँ। टाइमिंग तो सही थी ना सर, आपने जैसा बोला वैसा ही चुप गए। लड़की भगाएगा? तू भगाएगा यहाँ से? हाँ आद्या, 24 घंटे ऐसे ही टीवी देखती रहोगी तो फिर डॉक्टर कैसे बनोगी? टीवी बंद करो और जाओ पढ़ो। मैं डॉक्टर बनके क्या पालूंगी पापा? आज आपने माँ को डिस्करेज किया है, फ्यूचर में आप हमें भी डिस्करेज करेंगे। हमें भी कहेंगे घर में रहो, काम पर मत जाओ। जब घर में ही रहना है तो पढ़ लिख के क्या फायदा? गुड मॉर्निंग राइडर्स। चलो गुड मॉर्निंग सर, उधर चल के नेचर एंजॉय करते हैं। कहाँ जाना है? हम तो जाके आ चुके हैं, आप जाइए। तेरी गाड़ी में पेट्रोल पंप भरवाता है? रात को तुझे खाना पीना कौन देता है? तुझे अचानक सामान उतारने के लिए कौन कहता है? तू बिना मेरे ऑर्डर के सामान उतार सकता है क्या? चल एक्टिंग तो ऐसी किया होता कि तू जाके आ चुका है। अरे मेरी गलती हो गई सर। चल चल बाप को एक्टिंग सिखा, चलना पड़ेगा। तेरे बारे में सोच सोच कर मुझे रात भर नींद नहीं आई और तू यहाँ इतने आराम से सो रहा है। हेलो हेलो, मेरे मुंह पर पानी क्यों फेंका? देखा नहीं कितना आराम से सो रहा था मैं? ये आराम से सोने के लिए तेरा घर नहीं है, टाइम पर रेडी होना चाहिए ना। तेरे चक्कर में कितने लोग वेट कर रहे हैं पता है ना? जब से यहाँ तब से नोटिस करो तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया। मैं जिससे प्यार करता था उसकी हेल्प करना चाहता था, हो सकता है ये मेरी गलती। मैं तुम्हें ये बात होटल में बताने वाला था लेकिन तुमने लड़ाई शुरू कर दी इसलिए कुछ बोला नहीं। छोड़। छोड़ने के लिए नहीं हो रहा। Check your gear, maintain a safe distance. Do not cut yourself off from the line. Follow my instructions and hand signals. In case of any emergency, give a hand signal and pull over. Let's have a safe and memorable journey. Let the ride begin! Woo-hoo! Woo-hoo! Yo! गाड़ी फंसी हुई है, रिवर क्रॉस करते वक्त एक मैन फंस गई। उस वैन में 8 पैसेंजर फंसे हुए हैं। जाम के गेट नहीं खुले हुए हैं। वी हैव टू मूव नाउ।
ऐसे तो रास्ते भर में कितने सारे फोन आएंगे, कितने को सॉल्व करोगे? क्या देख रहे हैं सर, पूछिए इससे। Yes bro, we are already late on our schedule. Come on, let's go. Vikas, chalo chalo. We are not just riders. We are fighters too. Agar fighter ke samne koi phansa hoga to ek fighter kya karega batao mujhe. Main saath chalungi. Ajay, I'll come with my team. With my team ka matlab kya hai? Tension ho rahi hai. Upar wale ne hame ek dusre ki madad karne ke liye paida kiya. Chalo unhe bacha kar aaj hum log apna farz pura karte hain. Dude, come on, let's go. Riders, take a U-turn. They need our help. Let's go. गुड इवनिंग राइडर्स, आज के दिन पूरे देश के अंदर हमारे ग्रुप की बात की जा रही है और उसकी वजह है अजय और उसकी टीम। उन्होंने ही हमें ये मोटिवेशन दिया था। थैंक यू अजय, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कि सबके लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस जरूर आए होंगे। प्लीज फील फ्री टू शेयर विद अस। एक्सपीरियंस क्या होता ब्रो, वो तो मेरे घर का नाम है। कितना एक्सपीरियंस बताऊं? मेरे पास तो बहुत सारी स्टोरीज है। ज्यादा जरूरत नहीं है, एक ही बताओ। एक ही बताऊंगा, पूरी जिंदगी भूल ही नहीं पाएगा। हाँ बताओ। हमेशा की तरह वो 2019 की रात थी, आधी रात के 12 बज चुके थे। क्लोजा श्री सेलम से करनौल डी फॉरेस्ट के बीच में ऑलमोस्ट 250 की स्पीड से। क्या बोल रहे हो, 200 हाई स्पीड है। मेरी बाइक है ना, मेरी बाइक की स्पीड मुझे नहीं पता। उसी स्पीड से मैं फॉरेस्ट के अंदर जा रहा हूँ, तभी मुझे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। मैंने आईने में देखा, पीछे एक टाइगर था। टाइगर क्यों डर गया क्या? आप सब लोग भी डर गए, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैं उसी स्पीड में जा रहा था, आगे मैं पीछे टाइगर, आगे मैं पीछे टाइगर।
आगे मैं, पीछे टाइगर। अचानक मुझे डॉक्टर सेव द टाइगर्स लिखा हुआ, फटाक से मैं राइट से लेफ्ट में मुड़ गया। पागल टाइगर राइट में मुड़ गया, यही मेरा एक्सपीरियंस। कोच ने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोला था, जोक नहीं। हाय राइडर्स, हाय एवरीबॉडी। 40 साल से मैं बाइक चला रहा हूं। 3 साल पहले दिल्ली से लखनऊ जाते वक्त मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिर गया, और उसी समय एक गाड़ी मेरे दाएं पैर पर चढ़ के चली गई। मैंने बहुत लोगों से हेल्प मांगी पर किसी ने हेल्प नहीं की। खून ज्यादा बहने की वजह से मेरा पैर काटना पड़ा। अब मैं ये सोच रहा हूं, अगर उस समय अजय जैसा कोई आदमी सामने आता तो मेरा पैर बच जाता। अजय, मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। थैंक यू। प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे पास इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर मैं आप लोगों से दिल की वो सब बातें बता सकती हूँ जो मैंने कभी भी बचपन से अब तक किसी को भी नहीं बताई हैं। जिंदगी में पहली बार मैं अकेले रोड ट्रिप पर निकली हूँ, लाइफ में फर्स्ट टाइम, और इसकी वजह मेरे पिताजी हैं। वो रॉयल एनफील्ड बाइक मैकेनिक थे। पिताजी की तरह मुझे भी रॉयल एनफील्ड बाइक बहुत पसंद है, तो मैं भी उनके सपने से जुड़ गई। जब मैं लगभग 10 साल की रही होंगी, मेरे पिताजी रॉयल एनफील्ड बाइक में टेक्नोलॉजी को अपडेट करना चाहते थे और इस दुनिया को कुछ नया देना चाहते थे। मैं और पिताजी डेमो देने के लिए यहाँ लद्दाख आने वाले थे। उस दिन मैं सुबह सुबह उठी और सब चीजें पैक कर ली। पिताजी के पास जाके देखा तो वो सोए हुए थे। सोचा कि निकलने से पहले इतनी देर तक क्यों सो रहे हैं, तो उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पिताजी नहीं उठे। मैं अपने पिताजी को और क्या दे सकती हूं, बस ये कि उनका सपना पूरा कर दूं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि लड़की होने के कारण ये इतना मुश्किल होगा। मुझे मेरे रिलेटिव्स ने पाला, उन्होंने मेरी ग्रेजुएशन छुड़वा दी और शादी कर दी। मैं पिताजी को अपने पति में ढूंढने लगी थी, आस बढ़ गई थी, पर उन्होंने कहा कि मरे हुए को क्या पता कि हमने उनके लिए क्या किया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरी बेटी ने मेरा डर दूर किया और मुझे हिम्मत देके भेजा, और उसकी हिम्मत से आज मैं यहां पर हूं आप लोगों के सामने। All the best, Rashmi madam. You will definitely fulfill your father's dreams. Thank you. And now, finally, let us welcome the star of the day, Mr. Rajay. A few words, please. I'm not the only star. Help karne wale aap sab log yahan star hain. जिंदगी, जिंदगी की कीमत क्या होती है मुझे पता ही नहीं था। लाइफ को रिस्क में डालने से मुझे थ्रिल मिलता था, और उस थ्रिल में ही मैं अपनी लाइफ को ढूंढता था, तभी डिसाइड कर लिया कि एडवेंचर राइडर बनूंगा। मेरे मॉम डैड को यह बात पसंद नहीं आई। पहले लगा मुझे प्यार नहीं करते इसलिए मना करते हैं, बट अब पता चला वो मुझे बहुत प्यार करते हैं इसलिए मना करते थे। लाइफ को दांव पे लगाने जाएंगे तो कौन से माँ बाप इजाजत देंगे बताओ। मुझे लगता था जो इंसान प्यार जताता है उसकी वैल्यू ही नहीं होती है। असल में जिंदगी की कीमत क्या है इस जर्नी ने मुझे अच्छे से सिखा दिया है। महेंद्र, इनकी जान जा रही है फिर भी ये हमें हंसते हुए देखना चाहते हैं। जिंदगी की कीमत क्या होती है इन्होंने मुझे सिखाया है, और मैं इनको खोना नहीं चाहता। अगर कोई खतरे में हो और हम उन्हें बचाते हैं तो हम सिर्फ उन्हें नहीं बचाते,
हम उन्हें भी बचाते हैं जो उनसे प्यार करता है। बहुत बहुत थैंक्स मिलना। किस लिए? आज हम जो इतने लोगों को बचा पाए इसकी एक वजह सिर्फ तुम हो। भले ही ऊपर से तुम मुझसे नाराज हो लेकिन फिर भी तुमने मेरा सपोर्ट किया। उस जगह पर कोई भी होता मैं हेल्प करती। दैट्स माय कैरेक्टर। हे, पता है तुम्हारे अंदर प्यार से ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, इसलिए प्यार से कहने वाली बात भी तुम गुस्से में कहती हो। बट I don't want to lose you. I love you. मेरे प्यार पर भले तुम्हें भरोसा ना हो लेकिन मैं इस प्यार के खातिर तुम्हें और तुम्हारे गुस्से को सहने के लिए तैयार हूं। I'm sure तुम्हें मुझसे बेस्ट पार्टनर तो मिलेगा ही। मैंने तुम्हें देखा भी और I love you भी कह दिया। तुम्हें जिसको जो कहना चाहे कह दो। इस सफर में हर कदम जो मैं तुम्हारी तरफ उठा रहा हूं वो मेरे लिए खास है तुलसी, और इसीलिए मैं हर लम्हे को हर किस्से को कागज पर उतार रहा हूं। पर इस आखिरी पन्ने पर क्या लिखूं समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगा था मेरा सफर शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, और अब जब ये सफर खत्म हो रहा है मैं सोच रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी जल्दी ये सफर क्यों खत्म हो रहा है। तुमसे मिलने की खुशी और इन लोगों से बिछड़ने का गम, ये दोनों बातें मेरी दुख की वजह है। क्या इस सफर ने मुझे बदल के रख दिया है या वो तुम हो जिसने मुझ में ये बदलाव लाया है? Perfect, Sunaina. I'm honestly telling you. Thank you for being my first subscriber. Miss you too. तुम भी अपना ख्याल रखना। मुझे तुमसे बात करनी है। Yeah. So Vaibhavi, कल बताएं हम कहाँ जाएंगे? अभी बात करनी है। गुस्से में लग रही हूँ। See, ये सब कैसे बोलते हैं मुझे नहीं पता। But मैं जैसे भी बात करूँ तुम मुझे पसंद करते हो, इसीलिए लव यू टू। और सच में मैं इसी वक्त तुम्हें बहुत डांटना भी चाहती हूँ। क्या कहा था? मुझे तुमसे भी बेस्ट पार्टनर नहीं मिलेगा? कोई चांस ही नहीं है। अगर भरोसा नहीं है तो मुझे हक करके देख लो, भरोसा हो जाएगा। ए, वेट, वेट, वेट। पहले एंगेजमेंट तो तोड़ो, ऐसे कैसे हाथ लगाऊंगा? वो तो कैंसिल हो चुकी है। तुम लोग फाइनली मिल गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली गाड़ी पटरी पे आ ही गई ना? अब क्या प्रोग्राम है? हेलो हेलो माँ। बोलो बेटा। भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या कहा? कब हुआ? स्कूल जाते वक्त। आप जल्दी आ जाओ माँ, वो सिर्फ आपके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, जल्दी आती हूँ। क्या हुआ? मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है सर, मुझे जाना होगा। रुको, पता नहीं वो कैसा होगा, मुझे माफ होना चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। एक बार अपने हस्बैंड को कॉल करके पूछो तो सही। तीन दिन पहले वो
मुझसे डिवोर्स की बात कर रहे थे, वो शायद मुझसे बात नहीं करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज एक बार कॉल कर, मेरी बात प्लीज आप फोन करके तो दे। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बाबू कैसा है? फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, डॉक्टर ने इंजेक्शंस और टेबलेट दे दी है, छोटी सी चोट है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं वापस आ रही हूँ। नहीं नहीं, मैं सब संभालूंगा, तुम पिताजी का सपना पूरा करो। देखो जो सच्चा प्यार करते हैं वो नफरत कभी नहीं करते, चाहे वो हस्बैंड हो या माँ। यस सर, इंडीड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम नाउ। थैंक यू। हेलो, नहीं नहीं ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ देता हूँ, हाँ अभी अभी देता हूँ। हेमा पुष्पा, एक मिनट। हेलो पुष्पा जी, कैसी हैं? थैंक यू। हाँ जी हाँ, दो दिन में आ जाएगा, आते ही बताती हूँ, ख्याल रखिएगा। आज तो मेरा बेटा सबके लिए हीरो बन गया, पर हम शायद उसे कभी समझ ही नहीं पाए। डॉक्टर सर, हम तुलसी जी से मिलने के लिए आए। कैसे हो भाई? तुलसी,
मुझे कभी लगा ही नहीं तुलसी मुझसे दूर है, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। मैंने ईश्वर से सिर्फ एक ही चीज मांगी कि आज मेरी जान जरूर निकल जाए, लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे एक दिन और मिल जाए, क्योंकि कल मैं तुम्हारे चेहरे पर कामयाबी की खुशी देखना चाहता हूं। अब तुम लोगों को जाना चाहिए, बढ़ो अपने मकसद की ओर। भाई वो देखो, वो वही लड़के लोग हैं जिनके साथ मनाली में झगड़ा हुआ था। वादा किया था इसलिए अब तक जिंदा हूं, तुम्हारे पास आने के लिए संघर्ष कर रहा था, आज वो संघर्ष पूरा हो रहा है। आज मेरी रेस देखने आया ना, उसके बाद फिर जब बाइक कहीं दिखाई नहीं दे रही। बाइक दिखाई दे रही? तूने बाइक कहाँ खड़ी की थी? पार्किंग में ही तो खड़ी की थी। चलिए चलकर देखते हैं, आइए। हाँ चलो मेघना, आओ। सब लोग अलग अलग रास्ते जाओ, मेघना कहीं तो मिलेगी, जिससे मिले वो बता देना। आप इस तरह से जाओ। चलो भाई, रेस का टाइम हो गया है।
करो। लक्ष्मी मैडम आप आ रही हैं? नहीं सर, मेरी बाइक जला दी गई है। मैं अब कैसे? अगले आधे घंटे में आपका डेमो है, वो पहुंच जाएगी। वर्ड विद योर प्लान। लक्ष्मी मेरी बाइक भी सेम ऑर्डर की, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है, तुम वो परमिट मेरी बाइक पर अप्लाई कर सकते हो। नहीं हो सकता सर, कम से कम 3 घंटे तो लगेंगे ही। एक बार सोचो तो सही लक्ष्मी, एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो कितना दर्द सहती है पता है ना? तुम्हारा गोल भी एक बच्चे की तरह इम्पॉसिबल बोलकर छोड़ दोगी उसे या जान पर खेल कर लड़ोगी? क्या सोच रही हो? रेस पर जाने के लिए देर हो रही है, इतने मुश्किल पड़ाव पार किए, इस तरह हारने के लिए उसने सिर्फ तुम्हारा पैर तोड़ा, जान नहीं ली समझे? उसे इसका जवाब नहीं दोगे? उसे जवाब भी देना और जीतना भी, तुम दोनों को जीतना। Sorry, please give us 2 minutes, sir. Is it possible? Final call, Miss Lakshmi. Technology for which my father struggled for 10 years to make it possible. We all love Enfield's highly acclaimed 1980s model. My father modified the engine to make it highly electrical and hybrid technology. This engine gives us more mileage and faster pickup. Today, because of my family and my co-riders, I hope my father's dream will come true. Thank you, everyone. I appreciate all the new technology you guys have demonstrated us today. On behalf of Royal Enfield, we always welcome new technology into our company. And today, we are pleased to announce Mrs. Lakshmi for the collaboration of the new hybrid engine technology to the Royal Enfield. And I request Mrs. Lakshmi to head the technical department, and also we offer her a 2% profit share on its sales. Congratulations.
अजय कहाँ पर है? सुनो, मैं और तुम्हारी माँ, मतलब मैं और मेरी पत्नी अब राइडिंग पर जाएंगे। Yeah. Yes,